हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? निर्देशांक ज्योमेट्री। टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम यूज करेंगे। टू डायमेंशन मीन्स एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये निर्देशांक ज्यामिति है। ये इसका क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। ये है इसकी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। क्लियर? माइनस एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव चलती है और उधर नेगेटिव, उधर वाई की वैल्यू पॉजिटिव, इधर वाई की वैल्यू नेगेटिव। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑरिजन पॉइंट। एक्स एक्सिस को हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और वाई एक्सिस क्या होती है? इसकी वर्टिकल लाइन। हमें पढ़ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन टू डायमेंशन। कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई पॉइंट पी है, ये इस ज्योमेट्री में कहाँ लाइज करेगा, इसकी पोजीशन क्या होगी। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट का। और कोऑर्डिनेट को ऑलवेज हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑलवेज इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकेंड कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। पी एक्स कोमा वाई क्या है? किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मीनिंग है इस ज्योमेट्री में वे पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, उस पॉइंट की पोजीशन को शो करता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में हमने लिख दिया। ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, कोमा के बाद में सेकंड वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट पी इस एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस ज्योमेट्री के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या हो गया? उस पॉइंट की ये क्या है? वाई एक्सिस, इस डिस्टेंस इसका क्या कहलाता है? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और उसी पॉइंट की किससे डिस्टेंस? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाता है इसका? वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? किसी भी पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइंट पी इस ज्योमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है? उस पॉइंट पी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस उसका वाई कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स अपोजिट होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर? अब देखो, अगर ये पॉइंट P यहां से उठ के यहां आ जाए, दैट मीन्स क्या होगा? ये जो x को x डिस्टेंस थी इसकी वो जीरो हो गई। ये पॉइंट यहां से यहां आ गया अगर, तो ये डिस्टेंस अब वो कितनी हो गई? जीरो। तो x कोऑर्डिनेट ऑलवेज पहले लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू तो कितनी हो गई? जीरो। और y डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है? अगर ये यहां से उठ के यहां आ गया तो ये डिस्टेंस क्या है? इसके इक्वल। और ये किसके इक्वल है? y के। तो y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा उसका? y। सिमिलर अगर ये पॉइंट P यहाँ से उठ के यहाँ x एक्सिस पे आ जाए तो इसके कोऑर्डिनेट में कौन सी डिस्टेंस जीरो होगी? ये यहाँ से उठ के यहाँ है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस जीरो हो गई। ये पॉइंट इस पे कॉन्साइड हो गया तो कौन सी डिस्टेंस जीरो हो गई? y डिस्टेंस जीरो हो गई। और x डिस्टेंस क्या है? इस पॉइंट की ये डिस्टेंस, ये इसके पैरेलल है तो ये x है तो ये भी कितना होगा? x। समझ में आया? दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट lies on x-axis are in the form x, 0. The coordinate of a point lies on the y-axis are in the form 0, y. That means कोई भी पॉइंट x-axis पे लाइज कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा और y-axis पे लाइज कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। क्लियर? तो x कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेशन क्या होती है एक्स कोऑर्डिनेट की? द डिस्टेंस the distance of a point from y-axis is called x-coordinate. ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई थी। ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो उस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो y एक्सिस से डिस्टेंस तो क्या हो गया था इसका x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से डिस्टेंस इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, the distance of a point from y axis is called x coordinate or एब्सिसा। इसको क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर y कोऑर्डिनेट क्या किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या होती है y कोऑर्डिनेट की, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x axis is called y coordinate। और इस y coordinate को और क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट की x axis से डिस्टेंस उसका y coordinate होता है और y axis से डिस्टेंस उसका x coordinate होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, सिमिलर नोट करके लिखो, अगर ये पॉइंट P y एक्सिस पे लाइज कर देगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y, और वो पॉइंट x एक्सिस पे लाइज करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट को क्या होंगे x, 0। दैट मींस x एक्सिस पे लाइज करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे लाइज करेगा तो उसके x कोऑर्डिनेट 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट lies on x-axis is x, 0. The coordinate of a point lies on y-axis is 0, y. क्लियर, तो x एक्सिस पे लाइज करने वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पे लाइज करने वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0। तो ये तो होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मींस किसी भी पॉइंट की उस ज्योमेट्री में पोजीशन को बताना है कि वो कहाँ बैठा है, उसकी क्या पोजीशन है। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। सेकंड कोई पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्लियर, अब इन दोनों पॉइंट के बीच की हमको क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। लेट P इक्वल्स टू x1, y1 कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q x2, y2। तो P और Q के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट मीन्स हम क्या फाइंड कर रहे हैं, PQ, और उसका फॉर्मूला होता है √(x2 - x1)² प्लस (y2 - y1) का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस करके स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपको लर्न होना चाहिए। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दिया, उसका स्क्वायर, प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर दिया, उसका स्क्वायर, और क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट आता है the distance of a point P, x, y from origin और 0 0। दैट मीन्स ओ पी और पी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक्स एक्स वाई, सेकेंड है 0 0, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ओ पी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट आता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके अंदर कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, सेकेंड कोई पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट P ऐसा लाइज कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और वो पॉइंट P इस AB को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर हमको फाइंड करने हैं, क्या कह रहा है, दो पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है और एक पॉइंट P उसको m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम किससे फाइंड करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला? एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका m1 x2, इस m1 को इस x2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस m2 को x1 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन m1 प्लस m2। सेकेंड y कोऑर्डिनेट, m1 को y2 से मल्टीप्लाई कर दिया, m2 को y1 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन m1 प्लस m2। तो उसके x कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे? उस रेशो को उसके x2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड वाले रेशो के फर्स्ट वाले x1 से मल्टीप्लाई किया अपॉन दोनों रेशो का सम कर दिया। तो सेक्शन फॉर्मूले से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं जो पॉइंट उस गिवन लाइन को जिस रेशो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट क्या हो गए? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेकेंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। निकालो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और उनके बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कोऑर्डिनेट क्या है? 2 3 4 1। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x1 कितना गिवन है? 2, y1 कितना गिवन है? 3, x2 कितना गिवन है? 4, y2 कितना गिवन है? 1। ठीक है, अब दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमने इसको प्लॉट कर दिया, लेट P 2 3 एंड Q 4 1, PQ लेट कर दिया। तो डिस्टेंस क्या होगी? PQ के इक्वल। और फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल्स पर। यही होता डिस्टेंस फॉर्मूला। अब पुट कर दिया हमने, क्या पुट? x1 इक्वल्स टू 2, y1 इक्वल्स टू 3, x2 इक्वल्स टू 4 एंड y2 इक्वल्स टू 1। pq इक्वल्स टू x2 माइनस x1, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। Then PQ equals to 4 minus 2, 2 square 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर. देन पी क्यू 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4. देन पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 8. देन पी क्यू इक्वल्स टू 8 को क्या लिख सकते हैं 4 into 2. देन पी क्यू इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2. ठीक है, तो ये आ गई दो पॉइंट्स पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस. तो क्या करना है हमको, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, उसमें क्या करनी है सबकी वैल्यू पुट करनी है. क्लियर. सिमिलर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड आपको सिंप्लीफाई करना है. थर्ड देखो, क्या कह रहा है थर्ड. दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए बी, सेकेंड है -a - b. ठीक है, तो लेट p ab एंड q -a - b. ठीक है, तो x1 कितना हो गया a, y1 इक्वल्स टू b, x2 -a, y2 -b. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहलाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. पुट कर दी वैल्यू, x1 इक्वल्स टू a, y1 इक्वल्स टू b, x2 इक्वल्स टू माइनस a, y2 इक्वल्स टू माइनस का b. तो pq क्या हो गया, x2 माइनस x1 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर. माइनस ए मिलके माइनस के 2a का होल स्क्वायर, माइनस बी और माइनस बी मिलके माइनस के 2b का होल स्क्वायर. देन पी क्यू इक्वल्स टू माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर, सिमिलर 4b स्क्वायर. 4 थ्रू आउट कॉमन निकल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 4 स्क्वायर रूट में से बाहर निकला, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्लियर, तो ये p और q के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है. Find the distance between the point 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two points A and B discussed in section 7.2. तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स P और Q के बीच के, ये दोनों पॉइंट्स गिवन, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. पॉइंट क्या गिवन है, लेट P 0, 0 गिवन, दैट मीन्स इसको हमने ओरिजिनल मान लिया. लेट O 0, 0 एंड P 36, 15. ठीक है, हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. x1 कितना है 0, y1 कितना है 0, x2 कितना है 36, y2 कितना है 15. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, OP अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर. देन OP 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको. ठीक है, तो ये आके दोनों पॉइंट्स P और Q के बीच की डिस्टेंस. तो ये कह रहा है कि कैन यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 points A and B discussed in 7.2, section 7.2. Section 7.2 निकालो, पेज नंबर 156 पे. तो हमें P और Q के बीच, A और B के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो इसमें एक डायग्राम गिवन है 7.2 में. A पॉइंट यहाँ गिवन है, B यहाँ गिवन है, और उसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन नहीं है, डिस्टेंस दे रखी है 15 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर. ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले ए और बी के कोऑर्डिनेट चाहिए हमको। तो अब ये ए पॉइंट है, ये कहाँ लाइज कर रहा है? ओरिजिन पे लाइज कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0, 0। सेकेंड पॉइंट बी कहाँ लाइज कर रहा है? इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 15 किलोमीटर, तो वाई कोऑर्डिनेट तो हो गया 15, और इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 36, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 36, 15। क्लियर। अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट आ गए। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ए 0, 0, बी 36, 15, तो ए बी कितना हो गया? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर, सिमिलर, तो ये आ गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई ए और बी के बीच की डिस्टेंस। हमको सिंपलीफाई करना, स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करना है। आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।